काफी मान्यता प्राप्त है, इसीलिए महिला टेनिस खेल को आकर्षित और प्रोत्साहन मिले इसलिए स्मार्ट सिटी नवी मुंबई शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला टेनिस स्पर्धा का आयोजन होने वाला है। लोगो नेता गणेश नाइक के समर्थन और अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की अनुमति से नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा तीसरी बार अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस स्पर्धा का आयोजन 14 से 20 दिसंबर के दौरान किया जाने वाला है। इस अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस स्पर्धा में $25,000 रकम की राशि बख्शीश के तौर पर दी जाएगी। 14 दिसंबर की शाम एक शानदार समारोह के साथ ये चैंपियनशिप शुरू होगी। 35 अलग अलग देशों में से 270 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स टेनिस चैंपियनशिप का यह तीसरा वर्ष है। इस चैंपियनशिप के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप में प्रमुख अतिथि के तौर पर अभिनेता सलमान खान उपस्थित रहेंगे। इस पत्रकार परिषद के दौरान लोकनेता गणेश नाइक जी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को मौका प्राप्त हो इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने की बात कही। अपने देश में क्रिकेट का बोलबाला बहुत हुआ, लेकिन लॉन टेनिस के लिए इतना कोई महत्व पहले जमाने में नहीं दिया गया था, और महिलाओं के लिए तो वहाँ पे लोग कुछ सोचते भी नहीं थे। तो नई मुंबई स्पोर्ट्स क्लब ने ये सोचा कि भाई अपन पहले महिलाओं को सम्मान करेंगे, और ये तीसरा साल है कि ये तीसरे साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से महिला आ रही है। ये जो कंपटीशन है इसका महत्व वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चला है, और वर्ल्ड वाइड की लड़कियां इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पसंद कर रही है। वहीं इस दौरान नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट दिलीप राणे ने भी इस चैंपियनशिप के बारे में अधिक जानकारी दी। देखो, इसका मेन उद्देश्य ऐसा है कि हम जब शुरू किया, पहले में हमारे पास जगह नहीं थी, जगह मिल गई तो टेनिस कोर्स किए। टेनिस कोर्स करने के बाद हम देखा कि हमारे यहाँ बच्चे लोग, काफ़ी लोग टेनिस खेलने आ रहे थे, अबाउट 150-200 लोग बच्चे आ रहे थे। हम लोग महेश भूपति आए थे यहाँ कोचिंग के लिए, नंदन बाल जो इंडियन कोच है वो आए। उसके बाद देखा तो एक लड़की हमारी हनीक बॉलिट्री को भी गई है, शी इज़ इन द वर्ल्ड साउथ अमेरिकन चैम्पियन। उनको हम देखकर हमको लगा कि देर आर क्वाइट अ गुड टैलेंट, लेकिन उनको बाहर जाना बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहते थे। तो हम सोचा कि भाई बाहर के लड़कियां यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, इनको इंस्पिरेशन मिलेगा, दे कैन सी द बेस्ट एंड देन दे कैन ऑल्सो बिकम द बेस्ट। और फिर हम लोग ये MSLT है और IIT के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने सैंक्शन किए, और उसी कारण हमको ये ITF टूर्नामेंट मिल गया। ये तो थर्ड एडिशन है, हम सोचते हैं कि और बढ़ जाए, 25 का 50,000 हो जाए तो मोर पीपल विल कम, ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा बच्चे लोगों को, एंड विल बी वन ऑफ द टेनिस सेंटर इन द वर्ल्ड। 12 तारीख से 13 तारीख तक क्वालिफाइंग राउंड्स रहेंगे, 14 तारीख से मेन ड्रॉ चालू हो जाएगा और 19 तारीख को फाइनल्स रहेंगे। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि नवी मुंबई में आयोजित ये प्रतियोगिता महिलाओं के लिए बड़ा और सुनहरा मौका साबित हो सकता है। कैमरामैन साई पवार के साथ गोविंद पाल की रिपोर्ट, CNI न्यूज़।